यह है इंडिया का 77 साल पुराना पेन हॉस्पिटल। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ के मरीज पेन यानी कि कलम है। 1945 में मोहम्मद शमसुद्दीन ने इसे कोलकाता के एस्प्लेनेड में खोला था। उनके गुजर जाने के बाद इसे उनके बेटे मोहम्मद सुल्तान ने संभाला और अब उनके बेटे की बारी है। तो पिछले 10-15 सालों में स्याही वाले पेन का इस्तेमाल कम हुआ था, लेकिन अब फिर से उनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ग्राहक पेन खरीदने और उनकी मरम्मत के लिए वापस आने लगे हैं। अपने भाई के मरने के बाद मोहम्मद इम्तियाज इस दुकान के मालिक हैं। वो दुकान को उसी जुनून के साथ चलाते हैं जैसे उनके पूर्वज चलाते थे। अब उनकी दुकान में न सिर्फ पेन की मरम्मत की जाती है बल्कि उन्हें बेचा भी जाता है। कलम की कीमत 100 रुपए हो या फिर 20,000 रुपए, इस दुकान में सभी प्रकार के स्याही के पेन की मरम्मत की जाती है। इस पेन हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।